हेलो एवरीवन, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सबसे पहले कि चॉकलेट स्पंज को गैस पे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक कप प्रीमिक्स लेंगे, चॉकलेट प्रीमिक्स लेंगे। उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी, एक चम्मच जो ये रहता है मेजरिंग वाला स्पून रहता है, इससे हम एक चम्मच इसमें हम ऑयल डालेंगे, एसेंस का यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम केक टिन को हम ग्रीस करेंगे। इसके बाद हम इसमें इस पेपर को सेट करेंगे के लिए। तो दोस्तों, हम इसको ग्रीस करने के लिए सबसे पहले हम केक टिन में ब्रश के सहायता से हम ऑयल को लगाएंगे इसमें। फिर इसके बाद जो हमने पेपर कट करके रखा था उसको हम सीधा सीधा इसमें ऐड सेट कर देंगे। उसके बाद हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। हम दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले हम एक कप जो हमने प्रीमिक्स चॉकलेट प्रीमिक्स लिया था इसको हम इसमें डालेंगे। फिर हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे, पानी को ऐड करते जाएंगे और उसके बाद फिर इसको मिक्स करेंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे क्योंकि इसका हमको स्मूथ बैटर बनाना है और इसका ध्यान रखेंगे कि ये गीला ना हो। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये गिर जाए। अभी थोड़ा सा ये मेरे को टाइट लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। अब ये इसकी कंसिस्टेंसी अब इसकी ज़्यादा थिक नहीं है और ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ये हमने ऑयल डाल दिया। इसके बाद इसको हम फिर अच्छे से फेटेंगे। फेटने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस भी डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाए। बैटर या भी हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको केक टिन में वापस डालेंगे। अब इसमें ये केक टिन जो हमने और ग्रीस करके रखा था, अब इसमें हम अपना ये पूरा बैटर डाल देंगे। और फिर इसके बाद इसको हम टैप टैप करके इसको फैला लेंगे। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये हमारा बैटर केक टिन के साथ रेडी है। अब इसको हम प्री हीट एक कढ़ाइया में प्री हीट करके जो हमारी रखी हुई है उसमें हम इस केक टिन को इसमें सेट करेंगे। केक टिन को प्री हीट करने के बाद उसमें एक ये कुछ भी ऐसा आइटम रखेंगे, या आप नमक रख सकते हैं, या आप इसमें एक रिंग टाइप का रख सकते हैं, या एक प्लेट रख सकते हैं, इसके ऊपर ही रखेंगे। आप डायरेक्ट इसमें केक टिन को नहीं रखेंगे वरना ये जल भी सकता है। अब हमने इसको रख दिया प्री हीटेड कढ़ाइया में। इसके बाद इसको हम ढक देंगे, इसको 30 मिनट के लिए ऐसे ही आप बेक करेंगे इसको। दोस्तों, जब भी आप इस केक को बेक करेंगे तो आपका हमेशा गैस जो है वो सिम पे होना चाहिए। आप तेज कर देंगे तो ये जल जाएगा, इसके लिए आपको हमेशा गैस को सिम कर देना है जिससे ये जले नहीं। और दोस्तों, मैं हमेशा ट्रोपोलाइट का ये केक मिक्स चॉकलेट वाला यूज करती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर 35 मिनट या 30 मिनट के बाद ये हमारा केक रेडी हो गया। लेकिन इसको हम एक तरीके से और चेक कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपकी टूथपिक डालेंगे। अगर टूथपिक जो है हमारी ये क्लीन निकली
मतलब आपका केक रेडी हो गया है और आप इस गैस को अब बंद कर देंगे और आप अब हम केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोस्तों ये देखिए ये केक बन चुका है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के बाद ये देखिए इसको हम इस पेपर को धीरे से निकाल देंगे। इसके बाद ये देखिए ये आपका स्पंज रेडी हो गया और ये देखिए कितना फ्लफी बना है। ये देखिए इसको हम अब ये दिखा रहे हैं आपको।